जय हिंद। आज है 15 जुलाई 2023 और 15 जुलाई 2023 से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस खेल परिषद ने पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली इनाम की राशि को समान कर दिया है? तो ICC ने पुरुष और महिलाओं को मिलने वाली इनाम की राशि को सेम कर दिया है। अभी तक ये होता था कि पुरुष को ज़्यादा राशि मिलती थी इनाम की राशि और महिला को इनाम की राशि कम मिलती थी, लेकिन अब ICC ने यह नियम निकाला है कि पुरुष और महिला दोनों को इनाम की राशि समान मिलेगी। तो ये ICC ने नियम निकाला है। तो ICC के अध्यक्ष कौन है? ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकले। ICC का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बारकले। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। और ये दुबई हेडक्वार्टर कब बना था? तो ये 2005 में बना था। 2005 में बना था। अगर ये 2005 में बना था दुबई, तो 2005 से पहले ICC का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो लंदन था। लंदन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस टकसाल के 120वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं? तो हैदराबाद टकसाल के 120 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। हैदराबाद अभी 120 वर्ष पूरा हो गया हैदराबाद टकसाल का, तो स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और यह सिक्का जारी किसने किया है? तो भारत प्रतिभूति मुद्रण निर्माण निर्देशक SK सिन्हा ने इस स्मारक सिक्के को जारी किया है। कौन किया है जारी? कौन किया है स्मारक सिक्का? भारत प्रतिभूति मुद्रण निर्माण निर्देशक SK सिन्हा ने ये स्मारक सिक्के जारी किए हैं हैदराबाद टकसाल के 120 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत के चालू वित्त वर्ष का GDP ग्रोथ 6% रह सकती है? तो क्रिसिल ने यह कहा है कि भारत की जो चालू वित्त वर्ष है उसका GDP 6% रह सकता है। अब ये क्रिसिल ने कहा है, तो क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब ये क्रिसिल है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर, क्रिसिल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत आसियान सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भारत आसियान सम्मेलन दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। और ये 18 जुलाई को होगा। अब ये दिल्ली में होगा, तो आसियान का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में 10 देश हैं। अभी आसियान में 10 देश हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है उसके 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये खेल हो कहाँ रहा है? ये खेल हो रहा है थाईलैंड में। ये गेम कहाँ हो रहा है? थाईलैंड में। अब ये थाईलैंड में हो रहा है, तो थाईलैंड का राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा है बहुत। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुत चान ओचा। नाम भी खूब है, प्रयुत चान ओचा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया है? तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा का जो
G20 सम्मेलन समापन सत्र को संबोधित किया है उन्होंने, ये हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। किसने किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। ये रेल मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ, मतलब केंद्रीय मंत्री तो है ही, रेल मंत्री भी है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय कुमार सरोज ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो अजय कुमार सरोज ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये भी गेम जो हो रहा है, ये गेम जो हो रहा है अभी बताए हैं कि ये थाईलैंड में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अलेक्जेंडर थॉमस बने हैं। कौन बने हैं? अलेक्जेंडर थॉमस बने हैं। अभी यहाँ केरल के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो वो जगह खाली थी तो उनका जगह अलेक्जेंडर थॉमस ने लिया है और वो भी ये अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर साल 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो यह हर साल 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस फ्रांस में मनाया जाता है। अभी फ्रांस में मनाया जाता है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और मुद्रा क्या है फ्रांस का? यूरो। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो आज के ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, याद रखिएगा इसको, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।